सीटिंग अरेंजमेंट्स के अगले पड़ाव पर हैं छात्रगण आप सबों के बीच में और अगली प्रश्न हमारे बीच में है, कहता है कि 5 लड़के पूरब की ओर मुंह करके एक कतार में खड़े हैं। अब देखिए पूरब की ओर कह रहा है, कतार में खड़ा है, तो अपना सिंपल अपना करेंगे भाई, ये मेरा पूरब की ओर हो गया, ये आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। 5 लड़का है, 1 2 3 4 5 पांच लड़का हो गया, सब पूरब की ओर करके कतार में खड़ा है। श्याम, रमेश, मयंक और जावेद के बाईं ओर है, कहीं से भी अरेंजमेंट्स कर लीजिए, अरेंजमेंट्स तो करना है आपको। श्याम, ये आप मान रहे हैं कि जैसे तैसे ही अरेंजमेंट हो रहा है, श्याम, रमेश, मयंक और जावेद के बाईं ओर हो गया। अब बाया दाया में तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चूंकि आप ईस्ट की ओर फेस कर रहे हैं, ये दाया हो गया और ये क्या हो गया, बाया हो गया, यानी कि नीचे से ऊपर जब जा रहे हैं तो किधर जा रहे हैं, दाया से बाया। यहाँ कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की ओर जब हम बढ़ रहे हैं तो कहाँ से कहाँ बढ़ रहे हैं, दाएं से बाएं, ये आपको समझना चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है ना। हाँ, श्याम, रमेश, मयंक और जावेद की बाईं ओर है, श्याम जो है रमेश, मयंक और जावेद के बाईं ओर हो गया, रमेश, मयंक और जावेद साहिल के बाईं ओर हैं, रमेश, मयंक और जावेद साहिल के बाईं ओर हैं, तो यहाँ पर साहिल को लिख लेते हैं, ये साहिल हो गया। आप देखिए रमेश, मयंक और जावेद साहिल के बाईं ओर हो गए, कहीं कोई दिक्कत अभी तक के अरेंजमेंट्स में कोई इशू नहीं होना चाहिए आपका। जावेद रमेश तथा मयंक के बीच में है, अब जावेद रमेश और मयंक के बीच में है, लेकिन जावेद हम लोग का नीचे आ गया, कुछ नहीं, थोड़ा सा अरेंजमेंट्स कर लीजिए, इन दोनों को मिटा करके जावेद को कर लेते हैं कहाँ, ऊपर में, और मयंक को नीचे कर लेते हैं, जावेद और यहाँ हो गया मयंक, तो जावेद रमेश और मयंक के बीच में हो गया, अरेंजमेंट्स पूरा एकदम सटीक हो गया, जावेद रमेश तथा मयंक के बीच में है। यदि मयंक बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, देख लेते हैं मयंक बायां कहाँ, ऊपर से नीचे, 1 2 3 4 बिल्कुल मयंक बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तो कहता है रमेश दाईं ओर से किस स्थान पर है, तो दायां से बायां ऊपर जा रहे हैं, तो दाईं ओर से रमेश कितना स्थान पर हो गया, 1 2 3 4, तो यानी कि रमेश जो हो गया वो दाईं ओर से क्या है, प्लेस पे है, तो ये हो गया 4th प्लेस पे, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, चौथे स्थान पर। तो देखिए पूरे सीटिंग अरेंजमेंट्स के इस पड़ाव पर आपने सीखा है छात्रगण कि किस प्रकार से डायरेक्शन टेस्ट भी इसमें इन्वॉल्व है। आपने देखा कि बायां और दायां कितना जबरदस्त रूप से इसमें इंगेज्ड है। अगर इन सब चीज की बारीकी कंसेप्ट आपके पास में नहीं है तो आप जान जाइए कि पूरे सीटिंग अरेंजमेंट्स पर आप अपने आप को बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करेंगे। वो आपको इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है छात्रगण कि बहुत ही बारीकी और बहुत ही मनोयोग से ऐसे चैप्टरों को करने का प्रयास कीजिए जो आपको एक सुंदर और उम्दा कंसेप्ट आपके जीवन में आपको दे सकता है। तो सिटिंग अरेंजमेंट्स के इस पड़ाव के बाद आपको अगले पड़ाव अब कल की क्लास में लेंगे। मेरे लिए एक छोटा सा किटकैट ब्रेक बनता है, कल की क्लास में बातें करेंगे, पूरी तरह से वृत्ताकार पथ पर आपको झुमाते हुए नजर आएंगे छात्रगण, और वृत्ताकार पथ की बातें ही आपके बीच में करते हुए नजर आएंगे। तो आज की बातें यहीं तक, कल की बातें कल की क्लास में करेंगे। चलते चलते मुझे एक बहुत अच्छी लाइन याद आ रही है छात्रगण कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचो, क्या पता वक्त खुद कल अपनी तस्वीर बदल दे। इन्हीं चंद लफ्जों के साथ आपको मंगल आशीर्वाद देते हुए छात्रगण आज की क्लास हम सब यहीं पे समाप्त करते हैं, इस वादे के साथ कि कल की क्लास में पुनः पुनः मुलाकात होगी। कहीं भी रहिए, खुश रहिए, मजे में रखिए, खुदा हाफिज, सब बखैर, बाबा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडेज टॉपिक इज सिटिंग अरेंजमेंट्स। आज की क्लास में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं छात्रगण, और बहुत ही जबरदस्त पढ़ाओ, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पे आज आपको लेकर के हम सब चल रहे हैं। आज की क्लास में आपका स्वागत होगा बैठने के व्यवस्थीकरण के संदर्भ में, कि किस प्रकार से बैठने के व्यवस्थीकरण से रीजनिंग क्रिएट होता है, और उस बैठने के व्यवस्थीकरण पर आपको बहुत बहुत चर्चाएं करवाते हुए नजर आएंगे। छात्रगण आपको याद होगा कि पूरे सिटिंग अरेंजमेंट्स के कई सारे पड़ाव होंगे, बैंकिंग के रिस्पेक्ट्स में इसके एडवांस सिटिंग अरेंजमेंट्स आपको पढ़ाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सिटिंग अरेंजमेंट्स की जो पार्ट है वो है आपका बैठने के व्यवस्थीकरण में। बैठने का व्यवस्थीकरण दो प्रकार से हो सकता है, एक कि सारा व्यक्ति जो है अगर वो गोलाकार पथ पर बैठा हुआ है तो सबसे ज्यादा काम आपको इसी गोलाकार पथ पर करना है,
हालांकि बैंकिंग में इन दोनों आपने देखा होगा कि गोलाकार पथ पर कम आकर के अब रेक्टेंगुलर पाथ पर ज्यादा आ रहा है, उसकी भी बातें करेंगे। एक एक पड़ाव पर आपको सीटिंग अरेंजमेंट्स पे लेकर चलेंगे और तकरीबन 3 से 4 क्लासेस सीटिंग अरेंजमेंट्स की जाएगी और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बहुत हैंडी करेंगे चैप्टर को। लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट्स पढ़ने से पहले कुछ उसके बारीक कंसेप्ट हैं, आइए पहले उन कंसेप्टों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए छात्रगण, सीटिंग अरेंजमेंट्स में बच्चा सबसे पहले टुडेज टॉपिक, सबसे पहले टॉपिक आप लिख लीजिए, नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है और वो है सीटिंग अरेंजमेंट्स, सिटिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है ना? हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट्स, बैठने का व्यवस्थीकरण, दैट इज द चैप्टर। कहानी क्या है इस पूरे सिटिंग अरेंजमेंट्स का, बैठने के व्यवस्थीकरण की पूरी कहानी क्या है, ये आपको समझना चाहिए। देखिए, बैठने के व्यवस्थीकरण में सिटिंग अरेंजमेंट्स का जो पड़ाव है, जो समस्या है वो क्या है, ये इसकी बातें सबसे पहले हम लोग कर लें। कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, ये सभी व्यक्ति जो हैं वो बैठने की, जहाँ तक बातें होंगी, जो बैठने का कंसेप्ट होगा, वो कई मोड पर बैठ सकते हैं। चाहे तो किसी पंक्ति में बैठ सकते हैं, चाहे तो वर्गाकार पथ पर बैठ सकते हैं, चाहे डाइनिंग टेबल का जो स्पेस होता है उस पर बैठ सकते हैं, गोलाकार पथ पर बैठ सकते हैं। गोलाकार पथ सबसे इंपॉर्टेंट है सिटिंग अरेंजमेंट्स का, और इस सिटिंग अरेंजमेंट्स पे बायां और दायां दो चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है वो भी आपको दिमाग में रखना है कि इस पूरे सिटिंग अरेंजमेंट्स में लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन क्या होता है। पूरे सिटिंग अरेंजमेंट्स के दौरान छात्रगण, लेफ्ट और राइट ही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू होगा जिसको आपको बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बैठा करके रखना है। बायां और दायां सिटिंग अरेंजमेंट्स में जिस प्रकार से दिशा संबंधी प्रश्न में डायरेक्शन टेस्ट में आपका बायां और दायां हुआ करता था, इसमें भी बायां और दायां सेम टू सेम वही होगा, उसी प्रकार का रहेगा। अर्थात बायां को लेफ्ट, दायां को राइट, यही कहानी चलेगा, और वो किसका, आपका अपना। अर्थात आपका अपना बायां और आपका अपना दायां ही सिटिंग अरेंजमेंट्स में बायां दायां हुआ करता है। एकदम कहानी क्लियर हो रहा है? आपका अपना बायां, एकदम पहला कंसेप्ट वन, सिटिंग अरेंजमेंट्स का कंसेप्ट वन, सबसे पहले कंसेप्ट वन देंगे, कंसेप्ट वन, ठीक है ना? आपका आपका अपना बायां, बायां बोले तो लेफ्ट, आपका अपना बायां और दायां ही, आपका अपना बायां और दायां ही सिटिंग अरेंजमेंट्स का, सिटिंग अरेंजमेंट्स का, सिटिंग अरेंजमेंट्स का बायां दायां, सिटिंग बायां दायां, दायां बायां दायां, एक सबसे पहला कंसेप्ट एकदम याद कर लीजिएगा छात्रगण। दूसरे कंसेप्ट पर हम सब आपको लेकर के चल रहे हैं और हमारा जो दूसरा कंसेप्ट है वो कुछ इस प्रकार से है कि सिटिंग अरेंजमेंट्स के प्रश्नों में यदि वाक्य यानी कि सेंटेंस जो या जिसका, सेंटेंस जो या जिसका, और इन इंग्लिश अगर वो हु से जुड़ा हुआ है, अगर आप इंग्लिश पे बनाएंगे उसमें हु से सेंटेंस ऐड किया रहेगा, जोड़ा हुआ रहेगा, तो हमेशा बाद वाले व्यक्ति के बारे में बातें हो रही है। ये बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको आपको बहुत अच्छी तरह से कंसेप्टों को याद करना चाहिए। इफ़ योर सेंटेंस इज कनेक्टेड विद हु और इन हिंदी इट इज जो या जिसका, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पर्सन, व्हाइल टू पर्सन आर टॉकिंग विद ईच अदर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द लास्ट पर्सन। एक एग्जाम्पल भी हम ले लिए हैं, शिवम राहुल की दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। अब देखिए यहां थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि भाई राहुल के बारे में बोला जा रहा है कि शिवम के बारे में बोल रहा है। देखिए सेंटेंस आपका किससे जुड़ा हुआ है, जिसका से। तो आपको मैंने जस्ट अभी आपको ये इंतला किया था या आपको बताया था कि यदि सेंटेंस जो या जिसका से जुड़ा रहे तो हमेशा बाद वाले के बारे में बात हो रही है, अर्थात यहाँ राहुल के बारे में बात हो रही है। पॉइंट्स क्लियर हो गया एकदम? तो शिवम राहुल के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, अर्थात किसका मुंह पश्चिम की ओर है, तो राहुल का मुंह पश्चिम की ओर है। तो हमेशा ये सेंटेंस याद रखिएगा कि यदि वाक्य जो या जिसका यानी कि हु से जुड़ा रहे तो हमेशा बाद वाले व्यक्ति के बारे में बातें हो रही है, जो कि आपको बेहद रूप से याद करना पड़ेगा। इन दो कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए इस पूरे चैप्टर की रीढ़ है छात्रगण, ये दो कंसेप्ट, और इस चैप्टर को हम लोग आगे की ओर लेकर के चलेंगे। आप देखेंगे क्या कि पूरे चैप्टर में
जब हम सब इसके प्रश्नों को हल करके आएंगे तो एक पड़ाव आएगा और वो आएगा आपका वृत्ताकार पथ का। ये पड़ाव आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अभी यहां पर समझना है इस पड़ाव के बारे में। देखिए, इसके दो प्रश्न क्रिएट होते हैं वृत्ताकार पथ पर, दो तरह के प्रश्न क्रिएट होंगे। पहली प्रश्न क्रिएट होती है कि जितने लोग भी वृत्ताकार पथ पर बैठे हैं, आप अपने बचपन के रुमाल चोर का खेल याद कर सकते हैं छात्रगण, की किस प्रकार से हम लोग गोलाकार वृत्त में बैठा करते थे और जो है और एक के पीछे वो रखा जाता था, जो ढूंढ लेता था वो बीच में जाकर के बैठ जाता था, फिर दूसरी की बारी आती थी, इस प्रकार खेल खत्म हुआ करता था। गिनती का भी आपको हमने याद होगा कि शिक्षक हम सबों को खेल खेल में गिनती सिखाते थे, तो भाई 1 2 3 के लिए एक एक ताली बजता था, जो 1 प्लेस पे है वो दूसरे प्लेस वाले को एक ताली बजाएगा तो 1 और 1 2 हो जाता था, लास्ट में जिसके हाथ में 10 ताली बजेगा वो बीच में जाकर बैठता था, फिर 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर इस तरह से, वो भी एक गिनती सिखाने के अजब से तरीके थे। इन द सेम वे सिटिंग अरेंजमेंट्स पे भी वही काम करना है। एक पड़ाव इसका है कि सभी व्यक्ति जो वृत्ताकार पथ पर बैठे हुए हैं वो आपको केंद्र की ओर देख रहे होंगे, केंद्र मतलब सेंटर की ओर देख रहे होंगे। जब कोई भी व्यक्ति सभी जो वृत्ताकार पथ पर बैठा हुआ है और सेंटर की ओर देख रहा है तो बस एकदम सेम उसका अपना बायां और दायां, जो हमारा बायां दायां है वही इन लोग का बायां दायां होगा। अर्थात ध्यान लगाइए, जो लोग केंद्र की ओर बैठा हुआ है, सभी लोग केंद्र की ओर बैठा हुआ है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति यहां पर है, एक यहां पर है, पर है एक पर है, खुद आप कल्पना कीजिए कि इन सब का राइट किधर होगा, राइट किधर होगा बताइए, इस ओर होगा कि नहीं राइट होगा, और लेफ्ट किधर होगा, उस ओर होगा। तो आपका अपना राइट, देखिए ये एरिया जो होगा इसका जो होगा ये एरिया क्या होगा बताइए, राइट हुआ कि नहीं होगा। तो बहुत ही सिंपल वे से इसको समझा जा सकता है, देखा जा सकता है कि दाईं ओर हम लोग कैसे ले रहे हैं। ये हो गया दाईं ओर, और जब भी हम दाईं ओर बढ़ेंगे ऐसे करके बढ़ेंगे तो आपको ये भी समझना है कि हम एंटी क्लॉक वाइज हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये वाला हो गया एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, ये एंटी क्लॉक वाइज होगा। और जब हम इधर की ओर बढ़ेंगे, ये यहाँ से इधर की ओर बढ़ेंगे तो ये होता है बाईं ओर, क्या हो गया बाईं ओर, और बाईं ओर होता है यहाँ पे क्लॉकवाइज। ये एकदम दिमाग में रखना है किधर दायां किधर बायां, और दायां बायां में आपको कंफ्यूजन ही नहीं है। ये सब चित्र तो हम बेमतलब का बनाते हैं, मुझे जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे ये सब गंदा लगता है कंसेप्ट, सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैं ये सब बनाता हूँ। आपको सिंपली ये दिमाग लगाना है कि आपका खुद का जो लेफ्ट है खुद का जो राइट है वो सिटिंग अरेंजमेंट्स में लेफ्ट और राइट हुआ करता है। अब आप खुद समझिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक्स बैठा हुआ है तो एक्स का दायां किधर होगा, तो एक्स का दायां इधर होगा। ये चित्र बनाने का क्या मतलब है, एक्स का बायां किधर होगा तो इधर होगा, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं आपका दायां किधर होगा तो इधर दायां होगा, यही ना दायां लिए हैं, ये वाला दायां होगा। दायां मतलब क्या, एंटी क्लॉक वाइज। वो एक सिंपल दिमाग में रखना है कि जब भी राइट पोजीशन कहे तो आपको एंटी क्लॉक वाइज चलना है और लेफ्ट पोजीशन कहेगा तो क्लॉक वाइज चलना है। बस चाहे एंटी क्लॉक वाइज समझते हैं और क्लॉक वाइज समझते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में याद कर लीजिए, घड़ी की सुई की दिशा में राइट कहे, जब राइट कहेगा तो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा, और जब लेफ्ट कहे तो घड़ी की सुई की दिशा। इतना आपको दिमाग में रख लेना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का रिस्पेक्ट। सेकेंड इसका पड़ाव क्या होगा, एक पड़ाव यह भी होगा छात्रगण कि प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, आपको बाहर देखेगा, केंद्र की ओर ना देख करके बाहर देखेंगे। अब देखिए ऐसी स्थिति में कहानी आपकी गड़बड़ हो जाएगी, अर्थात इसका जो कंसेप्ट वह पूरी तरह से बदल जाएगा। अब देखिए आपका राइट किधर हो गया, इधर, यानी कि यहाँ जो क्लॉकवाइज था वो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा, और यहाँ जो एंटी क्लॉकवाइज था वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्लॉकवाइज। यानी कि आपका अपना राइट जो है वो यहाँ पर लेफ्ट बन जाएगा, और आपका अपना जो लेफ्ट है वो आपका राइट बन जाएगा। तो पूरी सिटिंग अरेंजमेंट्स के दौरान ये तमाम पड़ाव आपको सीखने होंगे छात्रगण। दो तरह का पड़ाव होगा, बस दो ही पर काम करेंगे, बेहद बारीकी से बहुत ही संजीदगी से काम करेंगे आप। ये बात अलग है कि एसएससी और रेलवे में वो वाला आता नहीं है, वो सिर्फ बैंकिंग के लिए है, बैंकिंग में जबरदस्त पढ़ाएंगे उसको और पूरी तरह से उस पर आपकी कमांड हासिल करवाएंगे, जितना क्लास लगेगा लगने देंगे, कोई इशू नहीं है। तो इन दोनों पड़ावों पर छात्रगण सीटिंग अरेंजमेंट्स पर हम सबों को काम करना होगा। पहला पड़ाव पर हम सबों को एकदम दिमाग में रखना है कि कई व्यक्ति जो केंद्र की ओर देख रहे होंगे उनका बायां और दायां, आपका अपना बायां दायां होगा, और जब वो केंद्र से बाहर की ओर देख रहे होंगे तो बायां दायां जस्ट रिवर्स हो जाता है, पलट जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है।
यही पूरी स्थिति है, यही पूरी इसकी कहानी है छतगन, जो कि हम सब अपने चैप्टरों में पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब आपको एग्जाम्पल के सहारे से पूरे सिटिंग अरेंजमेंट्स के कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कौन कौन से प्रश्न का पड़ाव होता है, और सबसे ज़्यादा फोकस इस वृत्ताकार का पथ पर करते हुए नजर आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इन छोटे छोटे कंसेप्टों के सहारे इस चैप्टर पर आप मास्टर होने का प्रयास करेंगे। आइए कई प्रश्न राउंड पर आपको लेकर के चलते हैं। छतखंड पहले पड़ाव पर है प्रश्न का, और सीधे सीधे प्रश्न को आप देखिए। प्रश्न कह रहा है, एकदम स्टार्ट हो गया सिटिंग अरेंजमेंट्स, छह व्यक्ति पी क्यू आर एस टी तथा यू एक कतार में बैठे हैं। कतार आप किसी तरह का बना सकते हैं, लंबा बना सकते हैं, चाहे हॉरिजेंटल बना लीजिए, वर्टिकल मतलब नहीं है, लेकिन कतार जब भी कहे तो इसी प्रकार का कतार बनाइए, लंबा भी बना सकते हैं। अगर डायरेक्शन दे देगा तो डायरेक्शन भी देख लीजिएगा कि किधर से क्या है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला है आपको। प्रश्न आगे बढ़ता है, देखिए सिटिंग अरेंजमेंट्स का कहानी में देखिए कंफर्मेशन टाइप का कुछ भी नहीं होता है। जो कंफर्म रहेगा उसको कंफर्म पे सेट कर देंगे, जो कंफर्म नहीं रहेगा उसको अजम्पशन करना पड़ता है। कहता है कि छह व्यक्ति पी क्यू आर एस टी तथा यू एक कतार में बैठा है, ये लोग एक कतार में बैठा हुआ है, क्यू जो है यू और टी के बीच में बैठा हुआ है। अब देखिए पहला पड़ाव कहता है कि क्यू जो है वो यू और टी के बीच में बैठा हुआ है, लेकिन बताइए आप क्या आप ये अरेंजमेंट्स ले सकते हैं? जवाब दीजिए छात्र, क्या ये अरेंजमेंट्स लिया जा सकता है? आपका जवाब यही होगा कि नहीं सर, ये अरेंजमेंट्स नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि आप ये भी तो सोच सकते हैं कि क्यू जो होगा वो यू और टी के बीच में बैठा हुआ है, ये भी तो पॉसिबिलिटीज है कि क्यू की जो बैठने की जो अरेंजमेंट्स है वो ये भी तो हो सकता है कि वो यू और टी के बगल में बैठा हुआ। दोनों पड़ाव पर आप काम कीजिए छात्रगण, कभी भी आपको अपने मन से कुछ भी नहीं सोचना है, बस आपको दो चित्र बना करके चलना है, जिसमें कंफर्म दिया रहे उसमें तो कोई बात ही नहीं करना है, उसके लिए कुछ सोचिए ही मत, लेकिन जहां थोड़ा सा भी प्रश्न में डाउट्स है वहां पर दो दो चित्र आपको बना करके चलना चाहिए। समझ में आ गया अच्छी तरह से क्या करना है, प्रत्येक बार कितना चित्र बनाना है, दो अगर डाउट रहे तो, नहीं डाउट रहे तो एक चित्र पर आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्यू यू और टी के बीच में बैठा, अब दो दो चित्र हो गया, क्यू को बैठा दिया, यू और टी के बीच में बैठा है, यू आर के बगल में बैठा हुआ है, यू जो है वो आर के बगल में बैठा हुआ है, ये आर के बगल में बैठा हुआ है, और इस चित्र को लेंगे तो यू जो है वो आर के बगल में बैठा है। ओके, बाएं दाएं कहा नहीं है इसलिए कहीं भी हम लोग उसको बैठा देंगे। आर पी के बगल में बैठा है जो एकदम बाई ओर है, देखिए यहीं पर आपका आप क्लियर हो जाएगा, आर पी के बगल में बैठा हुआ, आर जो है वो किसके बगल में बैठा हुआ है, पी के बगल में बैठा हुआ है जो एकदम बाई ओर है, तो बायां कौन है, मेरा बायां तो यही है, अगर यहां पर पी करेंगे तो ये एकदम दाई ओर हो जाएगा, अर्थात अरेंजमेंट की यह प्रक्रिया यहीं पर समाप्त घोषित की जाती है, अर्थात ये अरेंजमेंट गलत था, बैठने की यही प्रक्रिया उचित थी। देखिए कैसे पकड़ा गया, एकदम आर जो है पी जो है आर के बगल में बैठा हुआ है जो एकदम बाईं ओर है, देखिए इसको एकदम बाईं ओर ला करके खड़ा कर दिया है ना, और एस जो है वो टी के बगल में बैठा हुआ है, एस किसके बगल में बैठा हुआ है, टी के बगल में बैठा हुआ है, तो एस को उठा करके यहां पर कर देंगे, एस टी के बगल में बैठा हुआ है, कहानी खत्म हो गया, टी के बगल में बैठा हुआ है, क्लियर हो गया। कहता है कौन यू के बगल में बैठा, अब प्रश्न ले आता है और प्रश्न कहता है कौन यू के बगल में बैठा है, तो यू के बगल में देखिए कौन कौन बैठा हुआ है, तो यू के बगल में आर भी बैठा हुआ है, और यू के बगल में कौन बैठा है, क्यू भी बैठा हुआ है। एकदम कॉन्क्रीट ही सब में डिसीजन लिया कीजिए कि हाँ ऐसा नहीं कि छुपा करके या ये करके, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सिंपली जवाब दीजिए। बोलता है कौन, क्वेश्चन यही कह रहा है कौन यू के बगल में बैठा, यू के बगल में कौन कौन बैठा हुआ, आर और क्यू, इस प्रकार आप अपना आंसर दे पाने में कामयाब होते हैं। तो पूरे सिटिंग अरेंजमेंट्स पे छात्रगण आप यही देख पाते हैं कि सर जब हम इसके प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जब प्रश्न की ओर हम आगे की ओर बढ़ने के प्रयास करते हैं, तो सिटिंग अरेंजमेंट्स में आपको यही पड़ाव नजर आता है। पड़ाव क्या है आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट्स में, कि जो कुछ भी प्रश्न कहे, अगर प्रश्न में थोड़ा सा भी डाउट है, देखिए इस क्वेश्चन पे डाउट था, और ये क्वेश्चन है तो बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन में बोलता है यू जो है आर और क्यू के बगल में बैठा है, क्यू जो है यू और टी के बगल में बैठा हुआ है, अब भाई मेरे तो क्यू यू और टी के बगल में बैठा, तो टी इधर भी हो सकता था, यू उधर भी हो सकता था, तो दोनों प्रोस्पेक्टिव्स को, दोनों परसेप्शन को हम सब लेकर के चलेंगे और उसके आधार पर अरेंजमेंट्स कर देंगे। आइए कई पड़ाव पर आपको लेकर के चलेंगे छात्रगण आज की क्लास में, अगले प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं, और अगले प्रश्न पर आपको पुनः दिखाते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट्स और कौन सा खेल खिलाने वाला है, बहुत मजा आने वाला, आपको ये भी बात बता देते हैं। आइए आगे की ओर लेके चलते हैं छतकिन, अगले प्रश्न के पड़ाव पर हैं।
चार व्यक्ति कैरम खेल रहे हैं। देखिए कितना तरह का अरेंजमेंट है, वहां पंक्ति में बैठा हुआ था, यहाँ कैरम खेलेगा, डाइनिंग टेबल पर खाना खाएगा, कोई भी अरेंजमेंट्स हो सकता है, सभी पर आपको कमांड हासिल करना होगा। स्कूल का असेंबली वाला लाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सेटिंग अरेंजमेंट्स में, सभी पड़ाव पर हम सब डिस्कशन करने वाले हैं क्लास में। तो कहता है कि चार व्यक्ति कैरम खेल रहे हैं, प्रमोद, राहुल तथा शिवम और काजी जोड़ीदार हैं। जाहिर बात है भाई, कैरम के खेल में तो दो दो जोड़ीदार होते हैं। शिवम राहुल के दाईं ओर है। अब देखिए, सबसे पहले सबको चार लोग कैरम खेल रहा है, खेलिए। शिवम और कादिर जोड़ीदार हैं, शिवम राहुल के दाईं ओर है। देखिए अब यह कहता है कि शिवम जो है राहुल के दाईं ओर है, दो अरेंजमेंट्स बनेगा। शिवम राहुल के दाईं ओर है, अगर हम यहां शिवम कर दें और यहां पर हम राहुल कर दें, देखिए दाएं ओर हुआ कि नहीं हुआ, खुद आप देखिए। सबको देखिए, इधर देखता है, सब केंद्र की ओर देखता है कैरम बोर्ड खेलने में, कोई पीठ को नहीं देखता, ये उल्टा नहीं बैठता, सब केंद्र की ओर देख रहा होता है। तो अगर हम राहुल को यहां रखें और सीएमएम को यहां रखें, तो अरेंजमेंट हो गया शिवम राहुल के दाई ओर है, हो गया। लेकिन देखिए कहता है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, वाक्य आपका किससे जुड़ा हुआ है, जिसका से। आपको मैंने पहले ही कहा कि यदि वाक्य पूरे सिटिंग अरेंजमेंट्स में, यदि वाक्य जो या जिसका से जुड़ा रहे, तो हमेशा बाद वाले के बारे में बात किया जा रहा होता है। अर्थात किसका मुंह पश्चिम की ओर है, मुंह किसका पश्चिम की ओर है, तो राहुल की ओर है। आपको पूरा पश्चिम अच्छा से पता होगा, ये है आपका पूरब, ये है आपका पश्चिम, उत्तर और आपका दक्षिण, यही है। तो जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, अर्थात राहुल का मुंह पश्चिम की ओर है, तो अब हो जाएगा यहां पर राहुल। अब देखिए राहुल किधर देखेगा, इस ओर देख रहा है, तो देखिए जब इस ओर देखेगा तो मुंह किधर हुआ, पश्चिम की ओर हुआ कि नहीं हुआ, सो बताइए। तो ये सिटिंग है, इसलिए मैं डायरेक्शन टेस्ट पहले पढ़ा देता हूं ताकि बच्चा एकदम अवेयर हो जाए अपनी डायरेक्शन से और वो गलती ना करे। तो ये पश्चिम की ओर हो गया, राहुल को मुंह किधर हो गया, पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर राहुल देख रहा है एकदम अच्छी तरह से, कहानी क्लियर, राहुल पश्चिम की ओर देख रहा है। अब क्वेश्चन फिर लीजिए, तो जोड़ीदार है शिवम राहुल के दाईं ओर है, अब शिवम राहुल के दाईं ओर है, तो अब शिवम कहां चला जाएगा, राहुल के दाईं ओर, तो शिवम यहां ना हो जाएगा, अब शिवम यहां हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए राहुल पश्चिम की ओर देख रहा है, शिवम जो है राहुल के दाईं ओर हो गया, यानी शिवम राहुल के किधर हो गया, राइट में खड़ा हो गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा, सो बताइए आप हमको, हमको मत बताइए, आप खुद बोलिए कि हाँ सर नहीं बिल्कुल हो रहा है। तो शिवम जो है वो राहुल के राइट में हो गया, राहुल के दाईं ओर हो गया। इतना होने के बाद अब सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे, जोड़ीदार कौन कौन है, प्रमोद और राहुल जोड़ीदार है। प्रमोद तो राहुल का जोड़ीदार, ये जाहिर बात है इधर बैठेगा, आमने सामने बैठते हैं, जोड़ीदार तो कैरम में आमने सामने ही बैठते हैं। और शिवम का जोड़ीदार कौन हो गया, कादिर। कादिर सबको बैठा दिए हम सब इतना आराम से ये खेलने के लिए, इन लोगों को कैरम बोर्ड खेलने के लिए। अब क्वेश्चन यही कहता है कि बताएं कि कादिर का मुख किस दिशा में है। आप खुद बताइए कि कादिर जब इस ओर देख रहा है तो इस ओर देखने वाली दिशा मेरी कौन सी होती है, तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर, यानी कि नॉर्थ। अर्थात कादिर किस दिशा में देख रहा था, तो कादिर उत्तर दिशा की ओर में देख रहा था। कादिर इज फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। वेर इज कादर, कादिर फेसिंग, तो कादिर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। कादिर किधर देख रहा था, उत्तर की ओर देख रहा था। तो देखिए इस पड़ाव पर आपने छात्रगण देखा कि कितने आंसर हो गया, वही नॉर्थ की ओर आंसर हो गया आपका, नॉर्थ यानी कि उत्तर। कादिर किधर देख रहा था, नॉर्थ की ओर देख रहा था। पूरे पड़ाव पर छात्रगण आप इस चीज को आप देख पाएंगे, ये अरेंजमेंट्स कर पाएंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट्स में इस प्रकार के प्रश्न में थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता होती है। प्रश्न अगर आपका जो या जिसका से जुड़ा रहे, तो थोड़ा सा दिमाग में बैठा कर रखिएगा कि भाई किस ओर प्रश्न हमको लेकर के जा रहा है, किसके बारे में बातें हो रही है, ये सब आपको दिमाग में बैठा करके रखना होता है। हमेशा इस बात का याद रखिए, आपकी थोड़ी सी गलती इस चैप्टर पे आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज कर सकता है छात्रगण, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि चैप्टर के बारीकियों को समझते हुए प्रश्नों की ओर आगे बढ़ें। आइए आपको आगे के प्रश्नों की ओर लेके चलते हैं और कई प्रश्न पर आप हम सब क्लास के अंदर में चर्चाएँ करते हैं।